हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णिमा शंकर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ राशि उपचार में। दोस्तों, फरवरी को प्यार का महीना कहा जाता है और पूरे साल इस महीने का इंतजार प्रेमी जोड़ों को रहता है। फरवरी में आने वाला वैलेंटाइन वीक हर कपल के लिए खास होता है। इस खास वीक और वैलेंटाइन डे पर हर कपल या लवर यही चाहता है कि उसका अपने पार्टनर के साथ प्यार का रिश्ता और मजबूत हो जाए। दोस्तों, आज मैं आपको वास्तु के अनुसार से कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताऊंगी जिन्हें वैलेंटाइन डे पर भूल कर भी आप अपने पार्टनर को न दें, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कुछ ऐसे गिफ्ट्स जो आप इस वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को देकर अपने प्यार की डोर को और मजबूत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन से हैं पांच गिफ्ट्स। सबसे पहला है कि दोस्तों, जो गिफ्ट्स आपको नहीं देना चाहिए उनमें से एक है रुमाल। हर कोई अपने वैलेंटाइन डे को स्पेशल बनाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपहार में रुमाल नहीं देना चाहिए। इस वैलेंटाइन डे पर आप अपने पार्टनर के लिए गिफ्ट लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें रुमाल गिफ्ट न करें। वास्तु के अनुसार रुमाल गिफ्ट में देना दुख का कारण माना जाता है और ऐसा करने से आपस में मन मुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, डूबते जहाज की फ़ोटो। वैलेंटाइन डे प्यार का इजहार करने के लिए सबसे खास दिन माना जाता है, इसलिए इसे प्यार का दिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र की माने तो प्यार के इस दिन अपने पार्टनर को गिफ्ट में कभी भी डूबते जहाज की मूर्ति न देना चाहिए और न ही उससे लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की मूर्ति शुभ नहीं मानी जाती है और ये रिश्तों को खोने का एहसास करा सकती है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, जूते। वास्तु के अनुसार वैलेंटाइन डे पर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को उपहार में जूते नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्ते में तनाव बढ़ता है। अगर आप अपने रिश्ते की डोर को मजबूत करना चाहते हैं तो इस वैलेंटाइन डे उन्हें भूलकर भी ये गिफ्ट ना दें। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन से गिफ्ट आपके पार्टनर का दिल जीत लेंगे बल्कि आपके दोनों के बीच के प्यार के एहसास को और भी अधिक बढ़ा देंगे। इनमें से एक है कपल रिंग। कपल रिंग्स एक ऐसा गिफ्ट है जो आपके सच्चे प्यार की निशानी माना जाता है। आप उनसे कितना प्यार करते हैं अपनी इन भावनाओं को शब्दों में जाहिर करने का यह एक शानदार तरीका है। अगर आप भी इस वैलेंटाइन डे पर उन्हें एक रिंग गिफ्ट करें तो इस गिफ्ट से न केवल आप दोनों के रिश्ते मजबूत होगी बल्कि यह तोहफा हर पल आपको उनका एहसास कराएगा। दूसरी चीज है दोस्तों, गुलाब का फूल। रेड रोज प्यार का प्रतीक होता है और वैलेंटाइन डे पर पार्टनर के लिए सबसे पॉपुलर गिफ्ट गुलाब का फूल माना जाता है। ये अपने प्यार के एहसास और अपनी भावनाओं को दर्शाने के लिए सबसे अच्छा उपहार हो सकता है। उसके बाद है दोस्तों, परफ्यूम एंड वॉच कॉम्बो। अगर आपको लगता है कि आपके लवर को परफ्यूम और घड़ी पसंद है तो आप इस वैलेंटाइन डे उन्हें अच्छे ब्रांड और उनके पसंदीदा ब्रांड वाले परफ्यूम और घड़ी यानी कि परफ्यूम एंड वॉच कॉम्बो गिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, रोमांटिक डिनर। वैलेंटाइन डे के खास मौके को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए रोमांटिक डिनर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस बार आप अपने लवर या पार्टनर को उनकी पसंदीदा जगह पर रोमांटिक डिनर के लिए ले जा सकते हैं। इस खास दिन एक स्वीट सा कैंडल लाइट डिनर आपके दिन को खुशनुमा और प्यार के रिश्ते को मजबूत बनाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ वैलेंटाइन गिफ्ट आइडियाज जो आप अपने पार्टनर, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को दे सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई गिफ्ट आइडियाज है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अपने पार्टनर के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिएगा राशि उपचार। धन्यवाद।